इस एंटरटेनिंग कहानी की शुरुआत होती है डेजी नाम की एक बूढ़ी औरत को दिखाते हुए, जो हॉस्पिटल में मौजूद इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। डेजी की एक बेटी होती है जिसका नाम कैरोलिन था। कैरोलिन को भी साफ साफ पता चल गया होता है कि उसकी मदर का अब समय आ चुका है। दरअसल ये वो समय होता है जब वेदर रिपोर्ट्स वालों ने ये कहा था कि पूरे शहर के अंदर हरिकेन यानी कि तूफान आ जाएगा, और इसी वजह से सभी लोग डर के मारे अपने घर के अंदर मौजूद होते हैं। वो बूढ़ी औरत यानी कि डेजी अपनी बेटी कैरोलिन को एक बात बताती है अपनी लाइफ से रिलेटेड। वो कहने लगी कि जब वो जवान थी तो वो अपने हस्बैंड गेटो के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। उनका एक बेटा भी था जो मिलिट्री फोर्सेस में काम किया करता था, और ये वर्ल्ड वॉर वन का समय होता है जिसमें कि उनका बेटा चला गया था जंग के लिए। पर कुछ समय बाद ये खबर आती है कि उनके बेटे ने जंग में अपनी कुर्बानी दे दी। इस बात से उसके मॉम एंड डैड बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इस बात से तो उस लड़के के फादर गेटो ओवरकम कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ मेयर ने शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी घड़ी इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिस्टर गेटो के हाथ में दिया, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। गेटो कभी भी बाकी सारी पर्सनल चीजों को अपने प्रोफेशन में नहीं लाते थे, इसीलिए वो प्रोजेक्ट के हिसाब से उस घड़ी को बनाने लगे। उन्होंने दिन रात एक कर दिया उस पूरी बड़ी सी घड़ी बनाने के लिए, और कुछ समय बाद एकदम अच्छे से बनाकर उसकी ओपनिंग भी कर दी जाती है। मेयर के साथ सारे सिटीजन्स वहां पर जमा थे, और जब गेटो ने उस घड़ी को दिखाया तो सारी चीजें तो ठीक होती हैं, लेकिन वो घड़ी उल्टा घूम रही थी। सभी के पूछने पर गेटो अपना रीजन बताता है कि मैं चाहता हूँ कि जंग में जितने भी लोग घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं वो सभी समय के पीछे घूमने के कारण वापस आ जाएं, क्योंकि इस खतरनाक जंग के अंदर हर किसी ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, और इन सारी चीजों से हमें एक होप रहेगी कि समय पीछे चलने के कारण वो वापस आ जाएंगे। सारे सिटीजन्स को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो इस घड़ी को रहने देते हैं। लेकिन उस मोमेंट के बाद मिस्टर गेटो का कुछ पता नहीं चला था। कई लोग तो कहते थे कि वो दूर कहीं समुद्र के अंदर चले गए हैं। अब यहाँ हॉस्पिटल के अंदर डेजी अपनी बेटी कैरोलिन को पास ही में पड़ी हुई एक बुक को लाने के लिए कहती है। डेजी ने तो ये बताया कि मैंने इस डायरी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिखी हैं, जिसे मैंने कई बार पढ़ी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक आखिरी बार तुम उसे पढ़कर मुझे सुनाओ। इसीलिए अब अपनी मदर की इतना ज्यादा फोर्स करने के कारण कैरोलिन उस डायरी को पढ़ने लगती है। इस डायरी के अंदर जो भी चीजें लिखी होती हैं वो 19th सेंचुरी से बिलोंग करती थी, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था। उस बुक के अंदर एक लाइन होती है जिसमें कि बेंजामिन नाम का एक आदमी ये कह रहा था कि मैं इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और जल्द से जल्द यहाँ से चला भी जाऊंगा। दरअसल बेंजामिन कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी था, क्योंकि मेरा जन्म वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने की रात को हुआ था, और इस टाइम पर जो भी बच्चे पैदा होते हैं उन्हें बहुत लकी माना जाता है। बेंजामिन के फादर का नाम थॉमस था, जो जल्द से जल्द अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पास आ जाते हैं। बेंजामिन की मदर बहुत ही बुरी हालत में थी और वो एकदम कमजोर हो चुकी होती है, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया जो और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन होता है। लेकिन यहाँ थॉमस की वाइफ ने मरने से पहले ये कहा कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, जिसके बाद थॉमस की वाइफ वहीं अपना दम तोड़ देती है। लेकिन थॉमस जैसे ही अपने बेटे को गोद में लेता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। वो तो तुरंत ही अपने बेटे को लेकर बिना किसी को दिखाए वहां से भागने लगा। थॉमस तो सीधा अपने जन्म हुए बेटे को लेकर एक नदी के पास आ जाता है और उसे वहीं पर फेंक कर जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ गया जिसकी वजह से थॉमस ये नहीं कर पाया, और वो वहां से भी भागते हुए एक नर्सिंग होम में आ गया, जिसने कि सीढ़ियों के ऊपर अपने बेटे बेंजामिन को रख दिया और वहां से चला गया। दरअसल ये नर्सिंग होम बूढ़े लोगों का हुआ करता था, जहाँ पर क्वेरी नाम की एक लेडी काम किया करती थी। क्वेरी जब अपने स्टेयर्स के ऊपर उस बच्चे को देखती है तो वो तुरंत ही उसे लेकर आ गई थी, लेकिन अब जाकर क्वेरी और उसके हस्बैंड का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ये बच्चा नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। देखने पर ऐसा पता चल रहा होता है कि ये बच्चा जन्म होते ही बूढ़ा पैदा हुआ है। उसके पूरे बॉडी की चमड़ियां एकदम झड़ चुकी थी। साथ ही साथ जब क्वेरी किसी डॉक्टर से उस बच्चे को चेक कराती है तो वो बताने लगी कि इस बच्चे के बॉडी के अंदर कई सारी बीमारियां एक साथ मौजूद हैं। ये तो पूरी तरीके से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है जो आज तक उन्होंने नहीं देखा था। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद क्वेरी उस बच्चे को छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए वो बाकी सारे बूढ़े लोगों के पास आ गई जो उस नर्सिंग होम में मौजूद थे। क्वेरी तो झूठ मूठ का कहने लगी कि ये बच्चा मेरी बहन का है और मैं इसे पालना चाहती हूँ, क्योंकि अगर इसे छोड़ दिया गया तो इसे कोई ना कोई तो मार ही देगा। अब उस बूढ़ी से बच्चे को देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो सोच रहे थे कि उनके फैमिली में एक नया मेंबर आ चुका है।
इसीलिए अब क्वेरी ने उसी दिन से बेंजामिन नाम के उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे अपने नर्सिंग होम में बड़ा करने लगी। धीरे धीरे अब यहाँ पर समय बीतता चला जाता है। बेंजामिन तो अब पहले से बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से बूढ़ा होता है। बेंजामिन तो अब उस नर्सिंग होम का एक पार्ट बन चुका था जिसे कि सारे बूढ़े लोग जानते थे। साथ ही साथ बेंजामिन अपनी मदर क्वेरी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने तो क्वेरी को ही अपनी असली मदर मान लिया होता है, क्योंकि शुरुआत से ही उसने क्वेरी की बहुत ज्यादा देखरेख की है। बेंजामिन तो अब पूरे 7 साल का हो चुका था और इतने समय तक वो नर्सिंग होम से ज्यादा कभी बाहर ही नहीं निकला। अब एक दिन क्वेरी और उसका हस्बैंड अपने बेटे बेंजामिन को लेकर एक चर्च में आ जाते हैं, जहाँ पर मौजूद एक प्रीस्ट सभी से प्रे करवा रहा था और गॉड के प्रति अपनी जिंदगी निछावर करने की कोशिश कर रहा था। क्वेरी तो प्रीस्ट से जाकर रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरा बेटा बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर इतने सारे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा देखकर बेंजामिन भी काफी कोशिश करता है खड़े होने की। प्रीस्ट और बाकी लोगों ने भी बेंजामिन को प्रेरित किया खड़े होने के लिए, इसीलिए बेंजामिन खुद कोशिश करने लगा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। धीरे धीरे कोशिश करने के बावजूद भी वो एक बार नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं उठाता क्योंकि वो बार बार कोशिश कर रहा था। लेकिन आखिरकार बेंजामिन ने कर ही दिखाया और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस बात से क्वेरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है। अब यहाँ बेंजामिन को व्हील चेयर के ऊपर बैठने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो अपने पैरों पर कहीं भी आ जा सकता था। अब एक दिन उनके नर्सिंग होम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आती है। उसका नाम डेजी था, जो और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत है जो हॉस्पिटल में अभी इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रही है। बेंजामिन ने जब डेजी को देखा तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। हालांकि उन दोनों की उम्र सेम ही थी, लेकिन दिखने में बेंजामिन काफी बूढ़ा होता है, इसीलिए सभी लोग बेंजामिन को बहुत अजीब नजर से देखा करते थे। अब बेंजामिन तो यहाँ डेजी के साथ खेल रहा होता है, तभी अचानक वहाँ पर डेजी की मदर आ गई और उसे अपने कमरे में जाने लिखा। दरअसल वो ऐसा सोच रही होती है कि बेंजामिन उसकी बेटी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। थोड़े समय में वहाँ बेंजामिन की मदर आ जाती है, इसीलिए बेंजामिन उनसे पूछने लगा कि मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं हूँ, आखिर मुझे ऐसा क्या हो गया है। क्वेरी अपने बेटे बेंजामिन को समझाती है कि तुम शुरुआत से ही सारे बच्चों से अलग थे और सिर्फ हम गॉड के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि सारी चीजें जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अब यहाँ पर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि बेंजामिन की मदर क्वेरी को एक बेटी पैदा हुई है, और अब अचानक छोटी बेटी पैदा होने के कारण क्वेरी का पूरा ध्यान बेंजामिन से शिफ्ट होकर उसके ऊपर चला गया था, क्योंकि उस छोटी बच्ची को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत थी। बेंजामिन तो इससे बहुत अकेला हो जाता है, लेकिन उसे एक बात की खुशी थी कि बेंजामिन अब धीरे धीरे जवान होता जा रहा था। उसे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा होता है और उसके काफी सारे बाल भी उग रहे थे। बेंजामिन तो अपने नर्सिंग होम के अंदर काफी सारे बूढ़े लोगों से मिला करता, क्योंकि वहाँ नए नए बूढ़े लोग आते रहते। एक बूढ़ी औरत से तो उसने बहुत ही अच्छा पियानो बजाना सीख लिया, जिसे कि वो कभी भी भूलना नहीं चाहता था। अब बेंजामिन नदी के किनारे बैठा हुआ होता है, जो कि एक बंदर गाह था। वहाँ पर तो हर दिन कई सारी बोट आया करती थी। अब उनमें से ही एक बोट का ओनर वहाँ उतरकर सभी से कहने लगा कि अगर कोई भी मेरे लिए काम करेगा तो मैं उसे काम के बदले $10 दूंगा। कोई नहीं खड़ा होता सिवाय बेंजामिन के। बेंजामिन रेडी हो जाता है ये काम करने के लिए, इसीलिए अब ओनर बेंजामिन और अपने बाकी सारे लोगों को लेकर बोट के अंदर नदी में आ गया था। बेंजामिन इसलिए बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का सबसे पहला काम किया था और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। वो तो बिना रेस्ट किए सारे काम करने लगा, जिससे कि ओनर उससे इम्प्रेस हो जाता है। ओनर ने इसीलिए बेंजामिन को अपने केबिन में बुलाया और उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगा। वो तो ये भी पूछता है कि बेंजामिन किसी के साथ सोया भी है कि नहीं। बेंजामिन जब इस बात के लिए ना करता है तो वो ओनर बहुत ही ज्यादा हंसने लगा। उसके हिसाब से बेंजामिन की नसीब बहुत ज्यादा खराब है। वो सभी तो लगातार ट्रेवल करते हुए एक दूसरी जगह पर आ गए और वो ओनर तो बेंजामिन को एक रेड लाइट एरिया में लेकर आ जाता है। वहाँ उस ओनर ने बेंजामिन से कहा कि अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर जितना मजा करना चाहे उतना कर सकते हो। बेंजामिन ने तो उस जगह पर बहुत सारी लेडीज के साथ काफी मजे किए। काम खत्म होने के बाद जब बेंजामिन को उसके पैसे मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश था। ऐसा लग रहा होता है कि उसे अपने लाइफ का गोल मिल गया है और वो उसे फॉलो करेगा। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था, बेंजामिन अब जवान होता जाता है, इसीलिए अब बेंजामिन ने डिसाइड किया कि वो अपने लंबे सफर पर निकलेगा अपनी जिंदगी के उसूलों को तय करने के लिए। बेंजामिन अपने घर को भी छोड़ देता है उस ओनर के साथ
साथ अपनी जर्नी बिताने के लिए। क्वेरी तो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है बेंजामिन के लिए। डेजी यहाँ पर जो बेंजामिन की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी वो भी वहाँ पर आती है, लेकिन बेंजामिन ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लेटर्स भेजता रहूंगा। जिसके बाद वो निकल पड़ता है ओनर के साथ उस बड़े से समुद्र के अंदर। ओनर को तो एक कंपनी से आउटसोर्स किया गया था कि उसे जगह जगह पर जाकर अपनी एक्सप्लोरेशन करनी है, इसीलिए अब कुछ और लोगों के साथ बेंजामिन भी वहाँ मौजूद होता है। अब यहाँ पर उस ओनर ने खुद ही नोटिस किया कि बेंजामिन दिन ब दिन जवान होता जा रहा है, उसके अंदर की ताकतें बढ़ती जा रही हैं और उसकी स्किन भी पहले से अच्छी हो चुकी है। ओनर ने तो बेंजामिन से पूछ लिया कि आखिर तुम क्या खाते हो जिससे कि तुम जवान हो रहे हो। इसका जवाब तो बेंजामिन को भी नहीं पता था। अब यहाँ बेंजामिन के चले जाने के बाद डेजी भी न्यूयॉर्क आ जाती है, क्योंकि उसे एक बैलेट डांसिंग ग्रुप में एंट्री मिल गई थी। वो तो अपना करियर एज अ बैलेट डांसर कंटिन्यू करने लगी। दरअसल अब ये वो समय चल रहा होता है जहाँ पर हिटलर के कारण वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो चुकी थी। जापान ने तो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था, जिससे कि अमेरिकी आर्मी भी इस जंग में शामिल हो चुकी थी। चारों तरफ तो दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं और कई सारे सोल्जर्स इसमें मारे जा रहे थे। वहीं समुद्र के अंदर बेंजामिन अपने सभी साथियों के साथ उस नाव पर मौजूद था। हालांकि वो जिस रीजन में थे वो वर्ल्ड वॉर टू के अंडर नहीं आता, लेकिन फिर भी खतरा तो मौजूद था क्योंकि जर्मन सैनिक शिप की मदद से हमला कर सकते थे। बेंजामिन और उसके साथियों का काम पेट्रोलिंग का हुआ करता था, यानी कि अगर समुद्र में कोई बड़ी सी शिप खराब हो जाए तो वो उसे लेकर बंदरगाह पर आते थे। अब लगातार वो सब इसी तरीके से अपना काम करते ही जाते हैं, तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर बहुत सारे अमेरिकी सैनिकों की डेड बॉडीज दिखाई दी थी। इन डेड बॉडीज को और किसी ने नहीं बल्कि उनके दुश्मन जर्मन सैनिकों ने मारा था, और उनकी सारी सेनाएं सामने मौजूद होती हैं जो हमला करने के लिए रेडी थी। यहाँ बेंजामिन और उसके साथी इतने सारे अमेरिकी सैनिकों को मरा हुआ देखकर सह नहीं पाते। उनके अंदर भी देश प्रेम जाग चुका था और वो जर्मन सैनिक के ऊपर हमला करने चले गए। दोनों तरफ से अब फायरिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन बेंजामिन और उसके दोस्तों ने किसी भी तरीके से जर्मन सैनिकों की एक बड़े से पनडुब्बी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि इसमें उनकी भी शिप काफी डैमेज हो जाती है, पर उन लोगों ने उनकी पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय तो कर दिया, जिससे अमेरिकी सैनिकों को मौका मिल जाता है और वो उस जगह पर जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं। बेंजामिन को छोड़कर बाकी सारे साथी मारे गए। बेंजामिन को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाता है। एक सोल्जर ने तो बेंजामिन को अपनी पूरी कमाई दे दी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस जंग में वो बचने भी वाला है कि नहीं। सोल्जर ने सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली को ये पैसे दे देना। बेंजामिन इस बात के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ से सीधा अपने घर पर चला जाता है। इतने सालों बाद बेंजामिन वापस आया था और वो तो पहले से काफी ज्यादा जवान दिख रहा होता है। बेंजामिन की मदर क्वेरी ने जब उसे देखा तो वो एक समय पर उसे पहचान ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर उसे पता चला कि ये तो मेरा बेंजामिन है। वो तुरंत ही आकर बेंजामिन के गले लग गई और काफी रोने भी लगी। क्वेरी भी हैरान होती है बेंजामिन का ये रूप देखकर, लेकिन बेंजामिन सिर्फ इतना कहता है कि कंडीशन चेंज हुआ करती है, सिर्फ हमें सबर करना पड़ता है। अब कुछ ही देर बाद उस नर्सिंग होम के अंदर डेजी आ जाती है जो क्वेरी से मिलने आई थी, पर तभी उसके सामने बेंजामिन मौजूद होता है, जिसे देखकर डेजी काफी खुश हो गई। वो बिलीव ही नहीं कर पाती कि ये बेंजामिन है। डेजी तो उसके गले लग जाती है और बेंजामिन से काफी सारी बातें करती है, क्योंकि बेंजामिन ने डेजी को कई समय पहले से ही खत लिखना बंद कर दिया था। अब वो दोनों पहले ही की तरह काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। हालांकि डेजी के मन में बेंजामिन के लिए प्यार मौजूद था, पर उस समय बेंजामिन की शक्ल उतनी अच्छी नहीं दिखाई देती, लेकिन अब तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम उम्र के हो चुके होते हैं, इसीलिए डेजी का प्यार और फीलिंग एक साथ उभरने लग जाती है। डेजी तो अब बेंजामिन के काफी पास आने लगी थी और उसके साथ फिजिकल होना चाहती थी, लेकिन बेंजामिन सोच लेता है कि अभी तक वो इस चीज के लिए रेडी नहीं है। वो थोड़ा टाइम और लेगा ये सारी चीजें फिगर आउट करने के लिए, इसीलिए बेंजामिन अब वापस अपने शहर को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। डेजी को ये सारी चीजें काफी बुरी लगती हैं, इसीलिए वो भी न्यूयॉर्क वापस लौट गई थी। अब एक दिन बेंजामिन के पास उनके फादर थॉमस आ जाते हैं, लेकिन बेंजामिन को अभी तक पता नहीं था कि ये उसके असली फादर हैं। थॉमस तो नॉर्मली बेंजामिन से एक स्ट्रेंजर बनके बात कर रहा था, और वो बहाना बनाता है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता है। बेंजामिन ने थॉमस को सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर थॉमस कहता है कि मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज दिखानी है, इसलिए मेरे साथ चलो। बेंजामिन जब उसके पीछे जाता है तो थॉमस उसे एक फैक्ट्री में लेकर आ गया था। थॉमस ने बताया कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इन सारी चीजों और अपने बिजनेस को तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। बेंजामिन शॉक हो गया कि आखिर ऐसा आप क्यों करना चाहते हो। तब जाकर थॉमस ने वो राज रिवील किया कि मैं ही तुम्हारा असली फादर हूँ। थॉमस ने तो ये भी बता दिया था कि तुम्हारी असली मदर का नाम कैरोलिन है, जो तुम्हें जन्म देने के बाद तुरंत ही मर गई, और तुम कभी भी ऑफेन चाइल्ड थे ही नहीं।
दरअसल बेंजामिन के फादर थॉमस की तबीयत पहले से बहुत खराब हो चुकी थी और इन्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी यानी कि कैंसर भी हो चुका था, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। इसी वजह से वो चाहते थे कि मरने से पहले वो अपने पूरे बिजनेस को अपने बेटे के नाम कर दे, लेकिन बेंजामिन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दरअसल वो अपनी सेकेंड मदर यानी कि क्वेरी को ही अपनी असली मदर मानता है, क्योंकि उसने ही बचपन से बेंजामिन को पाल पोसकर बड़ा किया है और क्वेरी की जगह उसकी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, यहाँ तक कि उसकी पैदा करने वाली मदर भी नहीं। बेंजामिन ने ये सारी चीजें थॉमस से क्लियर कर दी थी और वो तो ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारा बिजनेस नहीं चाहिए, तुम अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दो। पर चाहे कुछ भी हो जाए, बेंजामिन अपनी असली मदर को छोड़ेगा नहीं। लेकिन कुछ समय बाद जिसका डर था वही हुआ। बेंजामिन के फादर की मौत हो जाती है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अपने पूरे बिजनेस और प्रॉपर्टी बेंजामिन के नाम कर दी थी। बेंजामिन इकलौता वारिस होता है इस पूरी प्रॉपर्टी का। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए बेंजामिन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। अब थोड़े पैसे आने के बाद बेंजामिन लग्जरियस लाइफ जीने लगा। उसे फिर डेजी की बहुत ज्यादा याद आने लगी, इसीलिए वो न्यूयॉर्क चला जाता है उससे मिलने के लिए। बेंजामिन जब डेजी से मिल रहा था तो वो देखता है कि डेजी एक बहुत ही अच्छी डांसर बन चुकी है और उसे कई सारी मूवीज में रोल भी मिलता है। लेकिन एक स्टूडियो में जाने के बाद फिर बेंजामिन को पता चला कि डेजी का एक बॉयफ्रेंड भी है और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये चीजें देखकर बेंजामिन को बहुत दुख हुआ और वो वहां से तुरंत ही बाहर निकल आता है। डेजी भी अब बेंजामिन से कुछ बातें करने के लिए उसके पीछे पीछे चली आई थी। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड डेजी को बुला रहा था क्योंकि टैक्सी आ चुकी होती है, लेकिन यहाँ लग रहा था कि डेजी के मन में अभी भी बेंजामिन के लिए एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसकी वजह से वो अभी भी बेंजामिन से प्यार करती है। बेंजामिन तो सिर्फ डेजी से इतना आकर पूछता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हो। डेजी ने कहा कि हाँ करती हूँ या फिर नहीं भी करती हूँ, मुझे ये सारी चीजें कंफ्यूज करती हैं और मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। लेकिन बेंजामिन को अपना जवाब मिल चुका था और वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीजें डेजी को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भले ही इस समय बेंजामिन और डेजी अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो हमेशा सोते समय एक दूसरे को याद किया करते। अब यहाँ अचानक कुछ दिनों बाद बेंजामिन को पता चलता है कि डेजी का कार एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी है और उसका पैर भी टूट गया। इसी वजह से बेंजामिन एक दोस्त होने के नाते तुरंत ही न्यूयॉर्क आ जाता है डेजी से मिलने के लिए। थोड़ी देर के लिए बेंजामिन को वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया। उस समय बेंजामिन के दिमाग में काफी सारी पॉसिबिलिटीज चल रही थी, जैसे कि वो सोचता है कि अगर डेजी 5 मिनट लेट रोड पर निकलती तो वो कार उसे टक्कर बिल्कुल भी नहीं मारती, या फिर उस कार ड्राइवर के शेड्यूल में कुछ चेंजेस हो जाते जिससे कि वो डेजी को टक्कर ही नहीं मारता। यही सारी पॉसिबिलिटीज वो सोच रहा था और कैसे भी खुद को कन्विंस कर रहा था कि डेजी एकदम ठीक होगी। थोड़े समय बाद जब वो डेजी से जाकर मिलता है तो डेजी की हालत बुरी थी। उसका तो पूरा पैर टूट चुका था, जिससे कि वो अब बैलेट डांस नहीं कर सकती। एक तरीके से डेजी का पूरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। बेंजामिन जब डेजी के पास आता है तो डेजी ने उससे कह दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। दरअसल डेजी बेंजामिन को ये हालत नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ही बेकार होता है। इसी वजह से वो बेंजामिन से कहती है कि तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। बेंजामिन अब खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और अब उसने अपना एक नया सफर स्टार्ट कर दिया था। बेंजामिन तो अब पहले से और भी ज्यादा जवान हो चुका होता है। बेंजामिन तो अब कुछ सालों के टूर के बाद वापस अपने शहर में आ जाता है। उसी समय डेजी भी आ चुकी थी और वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी होती है। अब तो पैर टूटने के बाद वो वापस न्यूयॉर्क नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसका करियर खत्म हो चुका था। बेंजामिन और डेजी इतने सालों बाद वापस मिल रहे थे और वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अभी भी उन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार मौजूद था। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे और धीरे धीरे उनके बीच में प्यार बढ़ने लगा। वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और अब काफी क्लोज आ जाते हैं। दोनों के बीच फिजिकली अटैचमेंट होने के कारण वो काफी ज्यादा खुश रहने लगे और अब वो दोनों बहुत ही अच्छे कपल बन चुके होते हैं, जो अपना हर मोमेंट साथ में शेयर करते हैं। डेजी और बेंजामिन ने तो इन्हीं सारे मोमेंट्स को साथ में शेयर करने का सपना देखा था और अब जाकर ये सारी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हो रही हैं। बेंजामिन और डेजी को लग रहा था कि वो दोनों एक साथ सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। उनके सामने कोई भी सिचुएशन आए वो साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब एक दिन बेंजामिन को खबर मिलती है कि उसकी मदर क्वेरी की डेथ हो चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा टूट गया, क्योंकि शुरुआत से उसने अपना पूरा बचपन क्वेरी के साथ ही गुजारा था।
लेकिन इस कंडीशन में भी बेंजामिन का साथ डेजी देती है और उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है साथ में आगे बढ़ने के लिए। दोनों साथ में काफी अच्छे कपल लगते थे और अब तो दोनों की एज भी सिमिलर हो चुकी है क्योंकि बेंजामिन अब धीरे धीरे और भी ज्यादा जवान होता जा रहा है। हालांकि डेसी को ये सारी बातें पता थी कि एक समय के बाद बेंजामिन पूरी तरीके से जवान होकर छोटा बच्चा बन जाएगा, लेकिन उसे सारी चीजें एक्सेप्टेड थी चाहे कुछ भी हो जाए। उसे तो बेंजामिन के साथ रहकर सिर्फ अपनी फैमिली बनानी थी। अब बेंजामिन ने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी जो उसके फादर उसके नाम करके गए थे उसे बेचकर एक बहुत ही बड़ा डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीद लिया जहाँ पर वो डेजी के साथ बहुत ही मजे करता और अपनी प्राइवेट लाइफ एंजॉय करता। लेकिन कुछ ही महीने बीतने के बाद डेसी ने तो ये नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था कि बेंजामिन उससे जवान होता जा रहा है, यानी कुछ समय बाद वो उससे भी छोटा हो जाएगा, तब शायद उनके रिलेशनशिप में दरार आने लगेगी। लेकिन अब डेसी उतना आगे का ना सोचते हुए प्रेजेंट पर ध्यान देती है। बेंजामिन ने अब डेसी की मदद की और उसे थोड़े पैसे दे दिए जिससे कि डेसी ने एक बैलेट डांसिंग की क्लास ओपन कर ली और इन सारी चीजों से डेसी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका बचपन से सपना था कि वो बैलेट डांसर बने। अब लेकिन उसका पैर टूटने के कारण उसका ये तो सपना टूट गया होता है, पर वो बहुत सारे बच्चों को बैलेट डांसिंग सिखाए ये भी उसका एक ड्रीम था जिसे कि अब वो पूरा कर रही है बेंजामिन के साथ मिलकर। अब एक दिन बेंजामिन को डेजी ने बताया कि वो माँ बनने वाली है, यानी कि उनका बच्चा पैदा होगा, जिससे कि बेंजामिन भी खुश हो जाता है। पर वो थोड़ा सा डरने लगा था कि कहीं उसका भी बच्चा उसी की तरह बीमारी लेकर ना पैदा हो। वो तो हर वक्त यही सोचता रहता, लेकिन डेसी उसे संभालती। वो कहती कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब वो दिन आ जाता है जब डेसी को एक बेटी हुई और वो पूरी तरीके से नॉर्मल होती है। दोनों ही पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश थे और खास करके बेंजामिन। बेंजामिन अपनी बेटी के पास आता है और उसे अपनी पहली मदर का नाम दे देता है, यानी कि कैरोलिन। दोनों अपनी बेटी की तरफ बहुत ही खुशी वाली नजर से देख रहे थे जैसे कि उनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पूरी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वो बूढ़ी औरत जिसका नाम डेसी था वो अपनी बेटी को ये सारी कहानी सुना रही थी और उसकी बेटी का नाम कैरोलिन ही होता है, जिससे कि यहाँ पर रियलिटी रिवील हुई कि बेंजामिन की वो जो बेटी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि यही कैरोलिन है जो कि कहानी पढ़ रही थी, यानी वो अपने ही फादर और अपनी पूरी फैमिली की कहानी पढ़ रही होती है। जब ये सच्चाई कैरोलिन को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक में चली गई और वो वहां से कुछ समय के लिए भाग जाती है क्योंकि अचानक से उसे पता चला था कि बेंजामिन ही उसके बायोलॉजिकल फादर है। लेकिन अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई होती इसीलिए कैरोलिन वापस अपनी मदर डेजी के पास आ जाती है। उसने फिर वो बुक उठाई और बाकी कहानी पढ़ने लगी। ये सारी चीजें वापस से फ्लैशबैक में आ जाती है जहां पर बेंजामिन और डेसी अपनी बेटी के साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। अब यहाँ बेंजामिन थोड़ा सा उदास रहने लगा क्योंकि जिस तरीके से उसकी बेटी बड़ी हो रही थी उसी तरीके से वो जवान और छोटा होता जा रहा था और उसे काफी ज्यादा टेंशन रहती कि आखिर आगे चलकर वो ये सारी चीजें कैसे हैंडल करेगा। हालांकि डेसी बेंजामिन से हमेशा कहती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन बेंजामिन की सोच कुछ अलग होती है। वो कहता था कि ये सारी चीजें जितनी आसान दिख रही हैं उतनी है नहीं, हमें सोसाइटी को मुंह दिखाना होगा जिससे कि तुम्हारी बदनामी होगी। इसीलिए जब बेंजामिन की बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर उसे एक सेविंग अकाउंट में डाल दिया और उस पूरी सेविंग अकाउंट को डेजी के नाम कर दिया, जिसके बाद बेंजामिन डेजी को बिना बताए उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि बेंजामिन की एज अब इतनी ज्यादा कम हो चुकी थी कि वो डेजी के आधी उम्र का हो चुका होता है और इस तरीके से तो वो डेजी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि आसपास के लोग और सोसाइटी वाले क्या कहेंगे कि वो एक छोटे बच्चे के साथ रिलेशन बना रही है। बेंजामिन सभी को ये बातें बता बता कर थक चुका था, इसीलिए अब उसने डेसी और अपनी बेटी को एक सही हालत में छोड़कर वहां से सीधा इंडिया आ गया। उसने तो कई साल इंडिया के गलियों में गुजारे होते हैं एकदम टूरिस्ट की तरह। अब यहां पूरे 10 साल बीत चुके थे जहां बेंजामिन अब काफी जवान हो चुका होता है और उसकी एज ऑलमोस्ट टीनेज बॉय जैसी हो गई थी। लेकिन इतने सालों बाद अब जाकर बेंजामिन वापस अपने घर लौटता है, यानी कि अपनी वाइफ डेजी के पास। डेजी की बेटी यानी कैरोलिन अब काफी बड़ी हो चुकी होती है जो ऑलमोस्ट बेंजामिन की उम्र की ही थी। लेकिन यहाँ बेंजामिन को पता चला कि उसकी वाइफ डेजी ने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि वो इतने समय तक तो बेंजामिन का वेट नहीं कर सकती थी और उसने साफ साफ क्लियर किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बेंजामिन के साथ रहेगी, पर बेंजामिन उसे छोड़कर चला गया। कैरोलिन को ये बिल्कुल नहीं पता था कि बेंजामिन ही उसके फादर हैं। डेजी तो अपनी बेटी कैरोलिन से बेंजामिन को अपना रिश्तेदार बताकर मिला रही थी, लेकिन सच्चाई तो यहाँ पर कुछ और ही है।
बेंजामिन अभी भी डेसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और सारी कंडीशंस ने ही उसे मजबूर किया था दूर जाने के लिए। बेंजामिन तो डेसी से भी थोड़ा सा मिलता है और प्राइवेट बातें करता है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि डेसी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। हालांकि वो अभी भी बेंजामिन से प्यार करती है, लेकिन इसका अब कुछ मतलब नहीं। बेंजामिन भी इन बातों को समझ जाता है और वो अपने रूम से जाते हुए खिड़की के रास्ते से डेसी को देखता जा रहा था। और ये लाइन किताब में लास्ट लाइन थी, जिससे कि जो कैरोलिन पढ़ रही थी वो कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन उसकी मदर डेसी जो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, वो बताती है कि आगे की कहानी क्या है। दरअसल उस मोमेंट के बाद जब बेंजामिन ने डेसी को छोड़ दिया था, तो डेसी अपनी लाइफ एक दूसरी शादी करके आराम से जीती रहती है। लेकिन फिर डेसी को एक पुलिस ऑफिसर कॉल करता है, जिसमें वो बता रहा था कि एक 7 साल के लड़के के पास एक डायरी है जिसमें कि आपके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। डेसी यहाँ पर तुरंत ही समझ गई कि ये और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन होगा, जिसकी एज अब काफी कम हो चुकी है। डेसी तो तुरंत ही उस घर पर चली गई जहां पर बेंजामिन को रखा गया था। बेंजामिन जो कि पियानो बजाना सीख रहा होता है, उसे अपनी पुरानी यादें बहुत ही ब्लरी तरीके से याद आ रही थी। बेंजामिन ने जब डेसी को देखा तो उसे कुछ कुछ याद आता है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो अब इसमें कुछ नहीं कर सकता था। समय के साथ तो बेंजामिन और भी छोटा होता जाएगा। बेंजामिन तो हर समय डेसी चिल्लाया करता था और उसके बारे में बातें करता था, जिससे कि डेसी इतना समझ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेंजामिन मुझसे प्यार करना बंद नहीं करेगा। और डेसी ने भी वादा किया था कि वो बेंजामिन का ख्याल रखेगी, इसीलिए वो उन लोगों से बेंजामिन को गोद ले लेती है और उसका हर वक्त ख्याल रखने लगती है एक बच्चे की तरह। समय के साथ साथ बेंजामिन और भी ज्यादा छोटा होता जा रहा था, लेकिन डेसी उसे एक मदर की तरह प्यार करती और उसका ख्याल रखती। अब तो हमें उस समय की गेटो द्वारा बनाए गए बड़े से क्लॉक को दिखाया गया, जिसे कि शहर में से हटाकर उसकी जगह पर डिजिटल क्लॉक लगा दिया जाता है। यहाँ पर अब कई साल बीतने के बाद वो मोमेंट दिखाया गया जब बेंजामिन एक छोटा सा बच्चा था। डेसी तो उसे गोद में लेकर खिला रही थी। बेंजामिन जिस तरीके से डेसी को देख रहा था, तो ऐसा लगता है कि वो डेसी के बारे में सारी बातें जानता है और अपने प्यार का इजहार कर रहा है। डेसी भी कहीं ना कहीं इसे समझ गई। लेकिन अब कुछ ही देर बाद बेंजामिन ने आखिरी सांसें ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बेंजामिन की इस तरीके से मृत्यु हो जाती है। डेसी ने भी ये रियलिटी एक्सेप्ट की और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगी। और अब यहाँ टाइम प्रेजेंट में आता है, जहाँ डेसी हॉस्पिटल की बेड पर मौजूद थी और उसकी बेटी कैरोलिन सामने बैठी होती है। ये वो समय था जहाँ पर हरिकेन चालू हो चुका होता है और चारों तरफ तूफान आने लगे थे। सभी लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए होते हैं, लेकिन पानी अब भरने लगा था। इन्हीं सारी चीजों के बीच डेसी भी चल बसी और वो वहीं पर मर जाती है। अंत में हमें बेंजामिन दिखाया गया, जिसने की अपनी लाइफ में जो जो चीजें एक्सपीरियंस की थी और जिन कैरेक्टर्स के मिला था, उसके बारे में कुछ कह रहा होता है। बेंजामिन के अकॉर्डिंग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो अलग अलग पर्पस से आए हैं। किसी को बिजनेस करना है, किसी को डांसर बनना है, या फिर कोई फैमिली ही कंप्लीट करने के लिए आया होता है। इसीलिए हमें पर्पस के साथ ही जीना चाहिए। अगर आपकी परिस्थिति एक समय पर बेकार है, तो आगे चलकर जरूर अच्छी ही हो जाएगी। हमें सिर्फ अपने आप पर फेथ रखकर अपना काम करते रहना चाहिए, यही जिंदगी का उसूल है। और अब इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो गई।